हेलो दोस्तों, आज हम आपके साथ बैंगन की भुजिया की रेसिपी शेयर करेंगे, जिसके लिए हमने लहसुन और मिर्ची को अच्छे से धुल लिया है। इसके बाद हम बैंगन को भी अच्छे से धुल लेंगे। देख सकते हैं आप कितना अच्छा लग रहा है देखने में बैंगन, एकदम ताज़ा ताज़ा। बैंगन को अच्छे से देख कर काटना है। देख सकते हैं कितने अच्छे से देख कर काट रहे हैं इसे, बिल्कुल इसी तरीके से आपको भी काटना है। और यह रेसिपी बहुत ही टेस्टी बनती है, आप इसको प्लीज़ ट्राई करें। देखिए इसे लंबा लंबा हम काट लेंगे, बिल्कुल अच्छे तरीके से काट लेंगे। ऐसे ही करके हम सारे काट लेंगे। काटने के बाद इसको हम अच्छे से पानी से धुल लेंगे। यहाँ पे लहसुन और मिर्ची को हम अच्छे से कोट लेंगे, इसका पेस्ट तैयार कर लेंगे। गैस में हमने कढ़ाई रख दी है, उसमें हम तेल डाल देंगे। यहाँ लहसुन का तड़का देंगे, बैंगन को अच्छे से धुलने के बाद पानी निकाल के हम इसमें डाल देंगे। अभी हम अच्छे से इसको चला देंगे। पलट पलट कर इसे कई बार हम चला लेंगे और पका लेंगे। इसके बाद हम इसमें लहसुन और मिर्ची का जो हमने पेस्ट बनाया था वो इसमें डाल देंगे। इसमें हमने हल्दी, मसाला है ये राजेश मसाला, उसके बाद हमने स्वाद अनुसार नमक डाला है। अभी हम इसको अच्छे से चला लेंगे। देख सकते हैं कलर कितना अच्छा लगा है। बस ये बन के तैयार ही होने वाली है। बैंगन अच्छे से पक चुका है, देख सकते हैं आप, और कलर कितना अच्छा लग रहा है देखने में। सब्जी बनकर तैयार हो चुकी है, देखिए नीचे पकड़ने भी लगा है। सब्जी बन गई है, इसको हम सर्व कर लेंगे। अब आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो